चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ ही अन्य ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी चल रही है। मंगल ग्रह पर तो कॉलोनी बसाने का सपना पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका की एक कंपनी ने तो पिछले साल लाल ग्रह पर जाने के इच्छुक लोगों से आवेदन तक मांग लिए थे, लेकिन क्या सच में ये संभव होगा? क्या सच में वहाँ कॉलोनी बसाई जा सकेगी? अगर वहाँ लोग जाएंगे तो वह कैसे होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उन्हें कैसे ट्रेनिंग की जरूरत होगी? इन सभी सवालों के जवाब साइंटिस्ट ने दिए हैं। आप जानकर समझ जाएंगे कि मंगल पर कॉलोनी बसाना अभी इतना आसान नहीं होने वाला है। यहाँ जाने वाले यात्रियों को एस्ट्रोनॉट की तरह तैयार करना होगा, वर्षों कठिन ट्रेनिंग देनी होगी। यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर के जरिए बताया कि आखिरकार वह कौन लोग होंगे जो लाल ग्रह पर जा पाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह पर पर्यावरण इतना दुर्गम प्राकृतिक है, अगर कोई वहां जाकर रहना चाहता है तो उसे कई तरह की चीजों से लैस होना होगा। वहां हर इंसान नहीं रह सकता क्योंकि वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना एक जटिल काम है, खासकर इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से। इसलिए एक साथ बहुत सारे लोग तो वहां भेजे ही नहीं जा सकते। अगर मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना है या जाना है तो साइंटिस्टों के मुताबिक कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक शुरुआत में मंगल ग्रह पर सिर्फ 22 लोग जा सकेंगे। ये वह लोग होंगे जो तकनीकी तौर पर काफी सक्षम होंगे, जिन्हें इंजीनियरिंग और तकनीकी में महारत हासिल होगी। ऐसे अंतरिक्ष यात्री क्लास्ट्रोफोबिक नहीं होने चाहिए, यानी किसी भी तरह अचानक बदलाव होने पर उन्हें डरना नहीं चाहिए। उसे पनडुब्बियों में घूमने का अनुभव होना चाहिए, युद्ध के हालात में भी नहीं डरने वाले होने चाहिए। अंतरिक्ष स्टेशन पर कई दिनों तक उसे बिताना होगा ताकि वह स्पेस के माहौल से अभ्यस्त हो जाएं। मस्क होंगे शायद पहले यात्री। इस महीने RXXIV प्रिवेंट सर्वर पर पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग इन शर्तों को पूरी तरह पालन कर पाएंगे सिर्फ वही मंगल ग्रह पर जा सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वहां जाने वाले शख्स को पूरी तरह इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉट बनना होगा। साइंटिस्ट ने 4 मॉडल भी सुझाए। यह उम्मीद जताई कि शायद स्पेस के बॉक्स एलन मक्स कुछ महीनों के भीतर ऐसा कर पाने वाले सफल होंगे। वैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष स्टार्स ऑन मार्स के 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले शो के कुछ दिनों पहले आया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले नासा ने खुलासा किया था कि उसने उन कार्बनिक अणुओं का पता लगाया है जो मंगल ग्रह पर जीवन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।